हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टैली में हम मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन यानी गोडाउन ऑप्शन को कैसे चालू कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूँ और यहाँ हमें क्या प्रेस करना है, F11 की प्रेस करना है। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो पर गए, यहाँ पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर देखिए पहले बाहर आते हैं और यहाँ पर जो है हमें F11 की प्रेस करना है। F11 की प्रेस करते ही हमें ये बॉक्स दिखाई देगा, हमें कहाँ जाना है, इन्वेंट्री फीचर पे जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस ऑप्शन, इसको हमें करना है चालू। तो यस कर दीजिए, सॉरी, इसको यस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करते करते इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तब तक कोई भी फीचर जो आपने ओके किया है, चालू करने की कोशिश करी है, वो चालू नहीं होता है। तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर अब हमें गोडाउन बनाना सीखना है कि गोडाउन हम बनाएं कैसे। ठीक है, तो गोडाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है, गोडाउन बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही मैं इन्वेंट्री इन्फो पर आता हूँ तो यहाँ गोडाउन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये देखिए यहाँ गोडाउन दिया हुआ है। अब इस पर हमें क्लिक करना है, या तो आप डी प्रेस कर दीजिए शॉर्टकट की, यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही है रेड कलर में, टैली की ये खास बात है, आपको जो भी फीचर्स को चलाना हो तो आप कीबोर्ड से आसानी से चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे जाना है तो जी प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम पे जाना है तो आई प्रेस कीजिए, और अगर यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाना है तो यू प्रेस कीजिए, उसी प्रकार से गोडाउंस पे जाना है तो डी प्रेस करेंगे। तो ये देखिए अब इसमें दो ऑप्शन आ गए हैं, मल्टीपल गोडाउंस और सिंगल गोडाउन। तो हम सिंगल गोडाउन बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर हम आएंगे और गोडाउन बनाते हैं। जैसे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे देवरिया के नाम से एक गोडाउन बनाता हूँ, देवरिया न्यू कॉलोनी के नाम से गोडाउन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपना माल रखेंगे, सामान रखेंगे जो भी हम बेचते हैं। ठीक है, इसको हम अंडर मेन लोकेशन के अंडर डाल देंगे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब ये एक गोडाउन हमारा बन गया। अब दूसरा गोडाउन जो है राघव नगर नाम से हम बनाएंगे, जो कि देवरिया के ही अंडर में होगा। ठीक है, ये मेन लोकेशन के अंतर्गत था और अगला जो हम बना रहे हैं वो देवरिया के अंतर्गत। तो राघव नगर देवरिया यहाँ डाल देंगे हम, DEORIA। ठीक है, इसको एंटर करते हुए, और अब इसको देवरिया लोकेशन के अंतर्गत हम रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये दो गोडाउन हमने बना लिए। तीसरा गोडाउन हम बनाएंगे भीखमपुर रोड, भीखमपुर रोड। ठीक है, ये हमने बना लिया, इसको एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट कराएंगे और इसको भी अंडर देवरिया न्यू कॉलोनी लोकेशन के अंतर्गत इसको रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीन गोडाउन बनाए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम अल्टर पे जाते हैं तो यहां पर हमें ये सारे गोडाउन दिख रहे हैं, एक भी कंपोर रोड। ठीक है, मेन लोकेशन तो पहले से बना रहता है, इसको बनाने की हमें जरूरत नहीं। देवरिया गोडाउन को हमने बनाया मेन लोकेशन के अंतर्गत, उसके बाद भीखमपुर रोड, फिर राघव नगर, ये सारे हमने गोडाउन बनाए हैं। देवरिया न्यू कॉलोनी जो कि मेन लोकेशन के अंतर्गत बनाया हमने, और इसमें हम अपने माल को रख सकते हैं, जो भी सामान जो भी व्यवसाय हम करते हैं उसे हम रख सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें माल रख सकते हैं और एक गोदाम का माल दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।